वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा शिल्पकार युवराज सिंगने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत युवराजनं ही घोषणा केली आहे. त्यानं 2012 अखेरची कसोटी तर 2017 अखेरच्या मर्यादित ओव्हर्सचा सामना खेळलेला आहे, पण त्यानंतर त्याला भारतीय संघात संधी मिळाली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून युवराजच्या निवृत्तीची चर्चा सुरू होती. युवराज सिंगनं कॅन्सरशी यशस्वी लढा देत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केलं होतं. T20 वर्ल्ड कपमध्ये युवराजनं इंग्लंडच्या स्टुअर्ट ब्रॉडला 6 बॉलमध्ये 6 सिक्स मारत क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला होता. सिक्सर्सचा बादशहा म्हणूनही युवराजची ओळख आहे. नुकत्याच झालेल्या IPL युवराज खेळला होता आणि त्यात त्यानं एका अर्धशतकासह 98 धावा केल्या. आज निवृत्तीची घोषणा करताना युवी भावूक झालेला होता आणि त्यावेळी त्याच्यासोबत त्याची पत्नी उपस्थित होती. I was expecting ke, you know, he is also seeing ke, it's been enough, bahut ho gaya, it's been almost 19 years and about 25 years of playing cricket. So I think he was very happy that I was retiring and he was very happy and he hugged me and he was very satisfied with the journey because he lived his dreams through me. Aur wo bahut khush the mere career se. Aur unhone mujhe bola ke जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया तो उनको अफसोस था कि वो टीम में नहीं थे, पर उनको फिर उतनी खुशी मिली 28 साल बाद जब मैंने वर्ल्ड कप उठाया. सो आई थिंक माय फादर वाज वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद व्हाट आई रिसीव्ड. तर युवराज सिंगच्या आईशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी शैलेश तवटे यांनी. 18 वर्षांनी एका वादळाची निवृत्ती झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून युवराज सिंग यांनी निवृत्ती घेतलेली आहे. या युवराज सिंगच्या माताजी माझ्यासोबत आहे, शबनमजी. शबनमजी, क्या कहेंगे युवराजने आज रिटायरमेंट लिए है, आज घोषित किया, क्या लगता है आपको? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है. एक शेल्फ लाइफ होती है हर चीज की, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. जो निर्णय रिटायरमेंट का युवराज ने आज लिया है, इससे पहले आपसे बातचीत भी की होगी, आपका कहना क्या था? जैसा मैंने कभी उसको रोका नहीं है, जैसा उसको दिल करता मैंने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिटायरमेंट लेनी है तो ले लो. तो इसमें अब और ज़्यादा आपने उससे कुछ समझाया नहीं कि और कुछ खेलना चाहता है क्या और क्रिकेट के लिए? देखिए, उसकी बॉडी है, उसका करियर है, ही हैज़ टू टेक अ कॉल ना. तो उसको उसने डिसाइड किया कि मेरे को नहीं खेलना, तो दैट्स हिज कॉल. 18 साल में जो क्रिकेट युवराज ने खेला है, सबसे बड़े छक्के और उसको छक्के का बादशाह माना जाता है क्रिकेट के मैदान में, क्या कहेंगे, क्या मिस करेंगे आज आज के तारीख में? आज जब क्रिकेट के मैदान में युवराज नहीं है तो आप क्या मिस करेंगे? अच्छा तो नहीं लगता जब इंडिया खेलती वो नहीं होता, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. कभी आप हैं कभी नहीं हैं, ठीक है. और उसने बहुत गोल्डन मोमेंट्स इंडिया को दिए हैं और हम उसी को देख के खुश रहते हैं, कोई बात नहीं. आज जब युवराज ये बोला कि रिटायरमेंट के बाद अभी अगली ज़िंदगी जो है वो कुछ 2 साल एंजॉय करेगा, क्या कहेंगे आप उस एंजॉयमेंट में, किस तरह से आपका एक पार्ट रहेगा, क्या कहेंगे आप? अब एंजॉयमेंट एंजॉय करना चाहिए क्योंकि उसने इतना स्ट्रेस के अंदर खेला, सब कुछ किया, तब उसको 2 साल अकेला छोड़ देते हैं, जो उसको करना है करे. अब स्पेशली वो अपने कैंसर चैरिटी पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है. आज का मौका जो एक सबसे बड़ा है, जब आज के दिन में उसके पिताजी भी यहाँ पर नहीं है, आप हैं, उनकी वाइफ थी, पिताजी क्यों नहीं थे और क्या क्या उनसे बातचीत भी हुई थी? नहीं, उनकी अपनी कमिटमेंट्स होंगी, मैं कुछ कह नहीं सकती. ठीक है, यासोबत आपल्या युवराज सिंगच्या माताजी शबनम जी आपल्या सोबत होता. त्यामुळे युवराज ने आजच्या काळामध्ये आज भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली आहे, पण एक आनंद आहे आणि देखील वाईट देखील त्यांना वाटतंय. त्यामुळे मंगेश मेंढरसह शैलेश तवटे, जय महाराष्ट्र, मुंबई. तर युवराजनं जे करायचं ते त्यांना आनंदानं करू देत, त्याचा निर्णय त्यानं घेतला आहे, तो दुसऱ्या कुणीही घेतला नाही. शेवटी मला फक्त त्याचा आनंद महत्त्वाचा आहे, असं युवराजची पत्नी हेजल किच यावेळी म्हणाली. तो सबको पता है कि मैं यूवी मिलने के पहले मैं क्रिकेट तो कभी देखी नहीं, तो ऑब्वियसली मैंने सुना है कि वो 6 छक्के मारा, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीते. मैं कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में और अभी भी मेरा ज़्यादा क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने पति ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट हूँ. And that won't change. If he wants to be a boxer and if he wants to be a coach and if he wants to just sit home and do nothing and I go to work, I'm also happy with that. और मेरा कंसर्न है कि उसको खुशी से रहना, बिकॉज ही हैज़ हैड सच अ चैलेंजिंग लाइफ. मिस तो क्या करूँगी, अभी पति तो घर पे है. सॉरी, मेरा जर्जीज तो आई विल मिस.
Sometimes I get a jersey with the, depending on the IPL team or if he plays for India, the wives get a jersey. But I have, hai to, teen chaar to hai. Bahut hai andar se dikhane ka. And he's been devoted with his diet and his training. He's put so much pressure on himself to just prove to everybody that he still has it. So, tab se humne mile and humne shaadi kiya. The only thing I've said is you have nothing to prove to anybody. You have achieved more than people dream about. But that satisfaction is not there with him. So obviously all his dukh is what he's shared with me. But as a wife, it's not my place to tell him anything except to just be there with him and support him in the bad times and remind him of everything that he's done and who he is. You are not what you do, you are how you take what you get. Like life is not magic for anyone. Everybody has good times and bad times, but it's what you make of what you get. And be grateful for the things you have and the things that haven't gone your way, there's obviously a reason for it.